हे गाइस, हाय, वेलकम टू बेबीज जंक्शन। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ दैट आई एम यशोदा वर्मा एंड मेरी एक 3 इयर्स 6 मंथ्स की डॉटर है जिसका नाम है इवानका। और आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो है बच्चों की जो विंटर केयर में जो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कपड़ों का, तो उस कपड़ों की जो लेयरिंग हम बच्चों को करते हैं वो किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये वीडियो जो है एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की थी मुझसे, काफ़ी लोग पूछते हैं लाइक हम कॉलोनी में आने का खेलती है या फिर मेरे कोई भी रिलेटिव्स होते हैं तो मैं उसको कई लेयर्स बनाती हूँ, तो वो हमेशा पूछते हैं कि ये लेयर्स क्यों बनाती हो तुम, उसको बस ये बना दो वो बना दो वो बस हो गया उसका। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि बच्चों का जो बॉडी होता है उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है विंटर्स में वो पूरी ही डिफरेंट होती है। जो कि आपके विंटर्स में जो वेदर फ्लक्चुएट होता है, कभी सनी वेदर होता है तो कभी ठंडा वेदर हो जाता है एकदम से, तो कभी आप घर के अंदर हो कभी आप घर के बाहर हो, तो उसको मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इफ दे रिक्वायर, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी टाइप के विंटर केयर वीडियोज इस पर और भी आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले विंटर्स में क्या हम रेगुलर वेयर्स में भी हम ये देखते हैं कि हमें हमारे बच्चों को सबसे पहले एक पतली लेयर बनानी होती है अंदर। तो मैं अनिका को इसके लिए एक छोटी सी ये उसके लिए अंडर शर्ट बनाती हूँ। अंडर शर्ट मैं इसको इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये जो है पूरा सीने से टच रहता है एकदम, तो एक लेयर जो है बच्चों के सीने से हमेशा टच रहनी चाहिए जो कि उनको एकदम कोजी फीलिंग आए। तो ये आप बच्चों के ऑलमोस्ट फिटिंग की ही लीजिए, तो इस टाइप की आप एक अंडर शर्ट उनके लिए ज़रूर लीजिए। तो आप अपने चाहे आपका बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, ये अंडर शर्ट आप उनको ज़रूर पहनाइए, ठीक है। विंटर्स चल रही हैं तो आप विंटर्स के अकॉर्डिंग हमें उसकी लेयर एक रखनी पड़ती है। लाइक मैं उसको एक फिर अंडर शर्ट के बाद उसको एक वार्म लेयर बनाती हूँ। ये कि बहुत ही सिंपल सा एक वार्मर है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत पतली लेयर है बट ये बहुत वार्म है। तो आप इसको एक अंडर शर्ट के ऊपर आप उसको एक ये बॉडी वार्मर ज़रूर पहनाएं अपने बच्चे को, उससे क्या होगा कि ये जो है उसकी बॉडी को वार्म रखने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप ऊपर की लेयर्स उतार भी देते हो तो फिर भी ये आप उसकी बॉडी पर एक लेयर उसकी वार्म रहेगी, तो क्योंकि ये ज़रूरी होता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो विंटर्स में ज़्यादातर गर्म ही रहता है। अगर हम उसको बाहर की एकदम ठंडे टेम्परेचर में एक्सपोज करते हैं तो सर्द गर्म की वजह से बच्चों की तबीयत खराब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो मैं उसको ये एक बॉडी वार्मर पहनाती हूँ। अगला जो आ जाता है बॉडी वार्मर के ऊपर, क्योंकि अभी काफ़ी हवाएं चलने लग गई हैं तो आप चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो इसको, लेकिन मैं उसको एक ये कॉटन की सिंपल एक हॉजरी आप इस कपड़े को बोलोगे, एक सिंपल कॉटन की एक टी शर्ट बनाती हूँ उसको। और ये जो है इट्स एन हाई नेक टी शर्ट, तो ये इस टाइप से राउंड हो जाती है क्योंकि हवाएं चल रही हैं तो ये यहाँ तक का हिस्सा उसका लाइक उसके अपर नेक तक का हिस्सा पूरी तरह से कवर कर लेता है, सो दैट कि किसी भी टाइप की ठंडी हवा उसको गले तक नहीं पहुँच पाती है। एंड ये आपको पता ही है कोविड टाइम चल रहा है तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे अपने बच्चों के साथ ये रिस्क लेना कि उनको किसी भी टाइप की सिचुएशन को फेस करना पड़े कभी भी। नॉर्मल सर्दी खांसी होने में तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है बच्चों की, और ये तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा पैंडेमिक है तो इससे तो जल्दी से जल्दी निकलना ही है। तो आप ये एक कॉटन लेयर ज़रूर उसके ऊपर पहनाएं क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को स्वेटर उतारना पड़ता है तो हमें क्या होता है कि एक कॉटन लेयर रहती है तो इसमें से हवा इतनी ईजिली पास नहीं होती। अगर इसमें से पास होती भी है तो आपने एक लेयर ऑलरेडी उनको वार्मर की पहनाई हुई है जो कि उनके लिए ऑलरेडी मतलब उनकी काफ़ी कोजीनेस रहेगी बॉडी में। तो ये मैं एक कॉटन लेयर उसको ऊपर से पहनाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो आप उसको कॉटन हाईनेक को वार्म हाईनेक में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे ये अनिका की वार्म हाईनेक है। ये डिफरेंट कलर्स में आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगी, हमने भी लोकल मार्केट से ही ली थी। तो मैं उसको कॉटन हाईनेक को कन्वर्ट कर देती हूँ वार्म हाईनेक में जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, और उससे क्या होता है कि ये लेयर भी उसकी वार्म हो जाती है। तो बस ये भी आप अपने साथ एक ट्राई कर सकते हो बच्चों के लिए, ज़्यादा सर्दी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सिंपली ये डिपेंड करता है कि वो घर के अंदर है या घर के बाहर है और सर्दी कितनी है। अगर इससे सर्दी ज़्यादा होती है तो हम एक लेयर बच्चे की हमेशा अप कर देते हैं। एक लेयर में हम उसको पहनाते हैं उसके ऊपर एक स्वेटर, ये एक थोड़ा हैवी स्वेटर है, आप चाहे तो आप वेदर के अकॉर्डिंग बच्चे को लाइट स्वेटर पहना सकते हो। ये स्वेटर पहनने के बाद एक्चुअली क्या होता है बॉडी का पूरा ऑल ओवर जो थ्री टू फोर लेयर्स हमें बच्चे के लिए चाहिए रिक्वायरमेंट वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। तो हम ये उसको एक स्वेटर पहनाते हैं। ये स्वेटर जो है वो वार्म है, काफ़ी गर्म है। अगर आपका वेदर आपके यहाँ का वेदर इतना ठंडा नहीं है या ज़्यादा नहीं
सर्दी हो रही है वहाँ पे, सर्दी पड़ रही है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अब सर्दियाँ बढ़ रही हैं, ऑलमोस्ट दिसंबर आने वाला है, इंडिया के ऑलमोस्ट सभी जगह सर्दियाँ बढ़ ही रही हैं, तो आप ये एक हैवी स्वेटर बच्चे को उस लेयर के ऊपर ज़रूर पहनाएं। देखिए दो लेयर्स आप उसको टाइट पहनाएं, ये आप थोड़ा सा लूज छोड़ सकते हो क्योंकि आपको इतने सारे कपड़े इसके अंदर पहनाने हैं, तो आप इसके लिए भी थोड़ा सा लूज स्वेटर ले सकते हो बच्चों के लिए। क्योंकि देखो हमें क्या लगता है कि अरे बच्चों को बस एक इनर बना दी, एक टी शर्ट बना दी, ऊपर से स्वेटर बना दिया, नहीं ये बिल्कुल गलत है। हमें उसकी मल्टीपल लेयर्स बना के ही पहनानी चाहिए। मान लो आपका बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, उसको स्वेटर पहनाया, जैसे ही वो अंदर आया उसको गर्मी लगेगी, तो आप उसका एक लेयर हटा सकते हो, लाइक कि स्वेटर का लेयर हटा सकते हो, बाकी लेयर्स उसको पहने रहने दो, ठीक है। तो लेयरिंग का ये फायदा रहता है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है उससे, और एकदम से सर्द गर्म से बच्चे बीमार नहीं पड़ते, तो आप ये स्वेटर पहनाओ। फिर बात आ जाती है अगर आपके बच्चे को काफ़ी सर्दी में बाहर जाना पड़ रहा है, लाइक बहुत ठंडी हवाएं हैं, एकदम से फॉगी वेदर हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा यू नो लाइक कभी कभी क्या होता है दिल्ली एनसीआर में हम लोग रहते हैं, तो बिल्कुल ब्रूटल विंटर्स जो होती है ना, बिल्कुल ब्रूटल कोल्ड, वो उस टाइप की सर्दियाँ पड़ती हैं, तो हमें क्या करना होता है, स्वेटर के ऊपर बच्चों को एक जैकेट भी देनी होती है। तो आप अपने बच्चे को एक जैकेट दीजिए, जैकेट डाल सकते हो, जिपर डाल सकते हो, जैसे कि मैं अनिका को ये वाली जिपर डालती हूँ, ये हाफ जिपर है, ये गर्ल्स के अकॉर्डिंग पिंक कलर है, और लाइक आप अपने बॉयज़, आपके बॉयज़ हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग एक जैकेट ले सकते हो, क्योंकि अभी अनिका हमारी गर्ल है तो हमने उसके लिए ये वाली जैकेट प्रेफर की, ये बहुत ही क्यूट लगती है, हमें से ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए और ये काफ़ी सही है उसके लिए साइज़, तो जैकेट थोड़ी सी एक साइज़ अप लो, जैसे कि क्योंकि बाकी सारे कपड़ों के ऊपर उनको पहनाना होता है, तो जैसे कि ये जैकेट हो गई, या फिर एक मैंने उसके लिए ये ओवर कोट लिया हुआ है, क्योंकि एनसीआर में काफ़ी सर्दी पड़ती है और वो बाहर काफ़ी खेलना प्रेफर करती है, तो ये कोट भी काफ़ी अच्छा है, अंदर से पूरा फर है, तो आप बच्चों के लिए एक हैवी कोट ले सकते हो या जैकेट ले सकते हो। मतलब आपके बच्चों को क्या चाहिए कि मतलब अंदर तो बॉडी वार्म रहे, ऊपर से कुछ ऐसा हो कि जिसमें हवा पास ना हो, और ज़्यादा सर्दियों में क्या होता है कि इस टाइप के कपड़े जो होते हैं ये उनको हवा से बचाते हैं, तो आप इस टाइप के कपड़े उनको ऊपर से उनके सारे वार्म कपड़ों के ऊपर पहना सकते हो। अच्छा ये तो बात हो जाती है हमारे टॉप्स की, लाइक ऊपर वाले लेयर की, अपर लेयर की। अब जो हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है हमारी लोअर लेयर, लाइक हमारे पैंट्स। तो आप बच्चों को किस टाइप के पैंट्स पहनाने चाहिए, तो मैं एक सिंपल सा उसका एक सिंपल सा इजी सा नेस है कि जो ठंड जो एग्जैक्टली बैठती है बच्चों को, वो ज़्यादातर सीने से, पीठ से और गले से, इनसे बैठती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आप उनको जो पैंट्स पहना रहे हो वो थोड़ा सा वार्म ही होना चाहिए, क्योंकि विंटर्स हैं, तो ये उसके लिए कुछ वार्म पैंट्स हैं, लाइक ये पूरा अंदर से वूलन है, तो आप अपने बॉय के अकॉर्डिंग या आपके आपके बच्चे के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से जो भी अवेलेबिलिटी है, आप बच्चों को मोटा सा पजामा या कुछ ले सकते हो। जैसे ये अनिका के वॉर्म पैंट्स हैं, तो ये पूरी तरह से वूलन है, कम्प्लीटली वूलन है, तो मैं उसको ज़्यादा सर्दियों में ये पहनाना पसंद करती हूँ। कम सर्दी होती है तो उसको नॉर्मल जो भी हमारे मोटे लेयर के कोई भी कॉटन पैंट्स या कोई भी अच्छा सा उसका जीन्स या कुछ भी पहनाना प्रेफर करती हूँ। उसके पास लेगिंग्स भी काफ़ी हैं। जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है तो कभी कभी मैं इसके अंदर एक लेगिंग भी डाल देती हूँ, ये थोड़ा सा लूज़ है तो इसके अंदर लेगिंग आराम से पहन जाते हैं, तो एक लेगिंग पहना के इसके ऊपर से ये पहना देती हूँ, कंप्लीट हो जाता है उसका पूरा का पूरा ड्रेसअप। बात हो जाती है टॉप की, पैंट्स की, ये दोनों बात हो गई। अब बात आती है बच्चे का सर। अब हम सर की बात कर रहे हैं तो हम कैप को कैसे भूल सकते हैं। कैप ज़रूरी है बच्चों को, जब भी आपके बच्चे बाहर जाएं, डिपेंड करता है कि कितनी सर्दी है, तो ज़्यादातर मैं तो प्रेफर करती हूँ सर्दी में उसको कैप ज़रूर पहना, तो इस टाइप के आप कोई भी कैप ले सकते हो। एक्चुअली इन कैप्स में क्या है कि काफ़ी लेंदी होते हैं, और इसमें जो ये है, ये जब आप फोल्ड कर देते हो तो बच्चों के ईयर्स पे एक 2 लेयर आर्किटेक्चर बन जाता है, लाइक 2 लेयर बन जाता है, तो डबल लेयर के कारण ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें ऑलरेडी डबल लेयर है, बट मैं इसको एक बार और इसको फोल्ड कर देती हूँ तो ये 4 लेयर्स बन जाती है। तो आप डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे कितनी विंटर्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे का कैप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो बच्चे कैप उतारने में बहुत माहिर होते हैं, तो प्लीज़ आपको उनको समझाना पड़ेगा, थोड़ी काउंसलिंग करनी पड़ेगी दैट दीज आर विंटर्स एंड वी विल हैव टू वेयर दिस कैप। सो आपको बच्चों की थोड़ी काउंसलिंग ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें भी करनी पड़ती है। तो कैप इज़ वेरी मैंडेटरी थिंग इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड फ्रॉम योर होम इन द ब्रूटल सर्दियाँ। एंड देन अगली लेयर आ जाती है उसकी सॉक्स की। सॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है ना, पैर और सिर अगर बच्चों के ढके रहे तो, और सीना उनका अच्छे से ढका रहे, तो सर्दी इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकती, जब तक कि आप कोई उनके साथ कोई एकदम से ही लापरवाही ना बरतें। तो लाइक ये वाले जो उसके सॉक्स हैं,
ये हल्के से वॉर्म है, ज़्यादा वॉर्म नहीं है, तो जब कम सर्दी होती है तो मैं उसको ये इस टाइप के सॉक्स पहनाती हूँ, लाइट वॉर्म सॉक्स हैं। एंड बच्चे बहुत ही ज़्यादा यू नो खुश होते हैं अगर उनको उनके फेवरेट कैरेक्टर्स से रिलेटेड मतलब कोई कपड़े पहनने को मिले, या कोई भी उनका टॉय हो या कोई भी चीज़ हो। तो लाइक आप अपने बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं सॉक्स ले सकते हो। ये हमने एफवीपी से लिए थे, लाइक ये मिकी माउस कैरेक्टर है, तो आप भी अलग अलग करेक्टर्स के सॉक्स ले सकते हो, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कलरफुल सॉक्स। और भी कलर्स के यहाँ निकल के पास उसके पास काफ़ी सॉक्स हैं। एंड हम नॉर्मली भी हम उसको घर में जब वो घूमती रहती है, क्योंकि बच्चे स्लीपर्स नहीं पहनते हैं तो हम उसको ज़्यादातर ये सॉक्स ही पहनाते हैं। और फिर जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो ये कुछ हैवी सॉक्स भी हमने ले रखे हैं, तो ये हैवी सॉक्स जो हैं उसको उसके पैरों में से ठंड लगने से बचाते हैं, उसको ठंड जो है बच्चों को पैरों से चढ़ती है तो उससे भी बचाते हैं। तो ये हैवी सॉक्स आप अपने बच्चे को पहना सकते हो। तो अब बच्चे की सारी लेयर्स कंप्लीट हो गई, पैर से लेके टॉप से लेके लाइक हेड टू टो आपका बच्चा अच्छे से कवर्ड है। अब बात आ जाती है कि उसकी ग्लव्स की। अब आपके बच्चों को इतनी ज़्यादा मतलब सर्दी जगह पर रहना पड़ रहा है, लाइक क्या होता है हिमाचल उत्तराखंड इनमें इतनी ज़्यादा सर्दी रहती है, हिल स्टेशन पे जो लोग रहते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा मिटेंस या ग्लव्स पहने रहते हैं। तो आप बच्चों को किस इस टाइप के कोई भी मिनी ग्लव्स या मिटेंस पहना सकते हो, जिससे कि उनके हाथ भी कवर हो जाएंगे। और क्या होता है बच्चों की आदत होती है हर चीज़ को छूने की, तो ग्लव्स से एटलीस्ट वो बचे भी रहेंगे। तो यही था बस एक वीडियो, मुझे लगा कि ये वीडियो भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि बच्चों को किस टाइप से ड्रेसअप करना है या लेयर्स में कपड़े पहनाने। ये जो वीडियो है आप न्यू बॉर्न बेबी से ही शुरू कर सकते हो, ये वाला जो वीडियो है वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी आप जो ड्रेसअप मटेरियल है, वो जो ड्रेसिंग करने का तरीका है एग्जैक्टली यही फॉलो कर सकते हो। आपको इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेबी बिल्कुल अभी भी पैदा हुआ है ना, तब भी आप यही लेयर आर्किटेक्चर उसको शुरू से ही यू नो उस पर अप्लाई करते रहो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा उसको सर्दी से बचाने की। और बच्चों के साथ तो एक्स्ट्रा केयर वैसे भी बरतनी पड़ती है, तो हम भी काफ़ी एक्स्ट्रा केयर बरतते हैं। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया देन यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन FB एंड इंस्टाग्राम, तो आपको आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।